गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज। हम इससे पहले वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर सब वगैरह किस में डाले जाते हैं? वाटर में डाले जाते हैं, जिससे वाटर क्या हो जाता है? पॉल्यूट हो जाता है और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या हो जाता है? एग्जिस्टेंस बहुत हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट देखो, अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ में जब बताया जाता है कि जो 75% भाग है, अर्थ का जो 75% भाग है वो किससे कवर है? H2O से। किससे कवर है? H2O। तो स्पेस से देखने पर अर्थ कैसा नजर आता है? ब्लू। किसकी वजह से? वाटर की वजह से। तो इसलिए अर्थ के लिए एक नाउन काम में लिया जाता है, ब्लू प्लेनेट। क्या काम में लिया जाता है? ब्लू प्लेनेट काम में लिया जाता है। तो जो अर्थ क्रस्ट है उस वाले पार्ट को तो क्या बोल दिया? लिथोस्फेयर। क्या बोल दिया? लिथोस्फेयर। जो यहाँ पर वाटर है, जो वाटर कवरिंग है 75%, उसको क्या बोल दिया? हाइड्रोस्फेयर। और जो अर्थ के चारों ओर जो सराउंडिंग्स में गैसेस का मिक्सचर है उसको क्या बोल दिया? एटमॉस्फेयर। क्या बोल दिया? एटमॉस्फेयर। तो थ्री थिंग्स हो गई, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। अब ये तीनों, इन तीनों का एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है जब लिथोस्फीयर इंटरेक्ट करता है किससे? हाइड्रोस्फीयर से। जब लिथोस्फीयर मतलब जो अर्थक्रस्ट वाला भाग होता है किससे? हाइड्रोस्फीयर मतलब जो वाटर कवरिंग होती है उससे जब इंट्रैक्ट करता है तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है? बायोस्फीयर का। अब इस वर्ड को देखते हैं, हाइड्रो को। ये जो हमने लिखा हुआ है हाइड्रो, इसका क्या मतलब निकलता है? हाइड्रोफोबिया। जैसे एक डिजीज़ होती है हाइड्रोफोबिया, या रेबीज, या रेबीज पागल कुत्ते के काटने पर जो डिजीज़ होती है उसे रेबीज़ कहते हैं या हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? वाटर। फोबिया का मतलब क्या हुआ? फियर। तो जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, उसे किससे डर लगता है? पानी से ही डर लगता है। किस डिजीज़ में? रेबीज डिजीज़ में, पागल कुत्ते के काटने पर। नेक्स्ट देखो, हमारे अर्थ के चारों तरफ एक डेफिनेट डिस्टेंस पर क्या है? एक डेफिनेट हाइट पर क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वायुमंडल है, वायु का आवरण है। अब अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके चारों तरफ, जिसके सराउंडिंग्स में एटमॉस्फेयर पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, और किसी प्लेनेट के आसपास नहीं पाया जाता। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा क्या है? मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है। उस मैग्नेट ने गैसों के मिक्सचर को, गैसों के मिश्रण को अपनी तरफ क्या करके रखा है? अट्रैक्ट करके रखा है, खुद से बाइंड करके रखा है। इस वजह से ही अर्थ के चारों तरफ क्या पाया जाता है? एटमॉस्फेयर पाया जाता है, और किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये तो रीज़न हुआ मैग्नेट का, ये वर्ड हुआ हाइड्रोफोबिया। और बायोस्फीयर का मतलब क्या हो? बायो वर्ड जहाँ भी आ जाए, बायो वर्ड जहाँ भी आ जाए, समझ लेना लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, सजीव की बात हो रही है। तो बायोस्फीयर कैसे फॉर्म बना? जब लिथोस्फीयर इंटरेक्ट करा हाइड्रोस्फीयर से। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर कवरिंग 75% अर्थ क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर। अर्थ क्रस्ट क्या कहलाया? लिथोस्फीयर। और जो गैसों का मिक्सचर है वो क्या कहलाया? एटमॉस्फेयर। अब इन तीनों का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए, लाइफ के लिए इन तीनों का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। हमारा छोटा सा टॉपिक था क्लास 9 चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज।